हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज है 8 मई और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि COVID-19 कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के पहली बार किस राज्य में पाया गया है? तो वो पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य में पाया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आंध्र प्रदेश के जो हैदराबाद है, हैदराबाद शहर, वहाँ के नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इंसान अब जानवर भी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 2020 से 2021 का जो कोरोना है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। बात करें अगर हम आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में, तो 3 कैपिटल है इसका। ठीक है, पहला है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 3 राज्यों का कैपिटल आंध्र प्रदेश है। बात करें अगर हम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो वो है YS जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बंगाल इलेक्शन हुआ था, तो उसमें तो ममता बनर्जी जीत चुकी हैं, TMC जीत चुकी है। ठीक है, और तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ के भी नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले पलानी के स्वामी थे, लेकिन अब MK स्टालिन है। बात करें अगर हम तमिलनाडु के कैपिटल के बारे में, तो वो है चेन्नई, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं वहाँ के बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो उज्ज्वला सिंघानिया बनी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली महिला उज्ज्वला सिंघानिया बनी है। बात करें अगर हम फिक्की के बारे में, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी। कैपिटल जो है वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में COVID-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ठीक है, तो अभी हाल ही में, जैसा कि आप सभी जानते हो कि COVID-19 जो है वो कितना ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, भयानक अब इसकी स्थिति देखने को मिल रही है। पहले तो केस था ही था, लेकिन अब जो है वो तिगुनी रफ्तार से, मतलब जो केस है वो अब बढ़ रहा है। और ऑक्सीजन का डिमांड क्या है वो सभी आप लोग जान ही रहे हो, न्यूज़ टीवी में आप लोग देख ही रहे होंगे। तो COVID-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया है, जो है कोजीत। अब ये है क्या? तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना किस तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से लोगों में टेंशन हो गया है, डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं लोग। सतर्कता तो है, लेकिन लोग परेशान हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि अब हम कैसे इससे बचेंगे, क्या होगा, मतलब ओवरथिंकिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो शुरू हो गया है। और इससे बचने के लिए जो सशस्त्र बल हैं, भारतीय सशस्त्र बल, उनके द्वारा शुरू किया गया है कोजीत ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 12 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैक्सीन के बारे में तो बताया गया है, साथ ही कंट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अभी हाल ही में जो कनाडा देश है, उसने 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की आयु के बच्चों को फाइजर वैक्सीन देने की मंजूरी दी है। इसमें कि 72 बच्चों को, जो कि 12 से 15 वर्ष के बीच में थे, उनको वैक्सीन दिया गया, और उनमें ये पाया गया कि ये जो वैक्सीन है वो 100% इफ़ेक्टिव है। और इसीलिए जो कनाडा की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे ये अप्रूव हो गया है कि बच्चों को हम वैक्सीन देंगे, 12 साल से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों को हम ये वैक्सीन देंगे। वैक्सीन का नाम क्या है भाई? तो वैक्सीन का नाम फाइजर वैक्सीन है। ठीक है, बात करें अगर हम कनाडा के बारे में, तो ये फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने बच्चों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया है। अपने कंट्री में तो है ही, लेकिन अपने कंट्री में है कि 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन मिलेगा। ठीक है, बच्चों के बारे में नहीं है। ठीक है, बात करें अगर हम कनाडा के बारे में, तो उसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है वहाँ पे कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है?
तो वो शुक्र में की है यानी कि वीनस में की है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हाल ही में नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। बात करें अगर हम मिशन वीनस जो कि स्टार्ट होने वाला है 2023 में और किसके द्वारा स्टार्ट होने वाला, तो इंडिया कंट्री इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी जो है और वीनस जो है यानी कि शुक्र, इसे ट्विन प्लैनेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका देखने का स्टाइल और मतलब जो नाप होता है ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अर्थ और वीनस को ट्विन प्लैनेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में जो मार्क स्टेलबी हैं उन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता है और ये चौथी बार है जो कि इन्होंने ने नाम हासिल किया है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पे पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है। बात करें अगर हम हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में तो वहाँ की कैपिटल है जयराम, तो वहाँ की कैपिटल है शिमला और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बंदारू दत्तात्रेय और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है जयराम ठाकुर। थोड़ा सॉरी यहाँ पे करेक्शन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में चीन ने किस देश के साथ आर्थिक समझौते को निलंबित किया है? तो अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ चीन ने मिलकर के चाइना ने मिलकर के आर्थिक समझौते को निलंबित किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम नमस्कार।